हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 10th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक फ्रॉम लेक्चर नंबर 9। द टॉपिक इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा are the given roots of the quadratic equation, then the required quadratic equation can be formed with the help of following formula: x square minus sum of roots x plus product of roots equals to 0. तो जब भी हम quadratic equation ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करेंगे, हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं। x की दो वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उन्हें हमने नाम दिया है अल्फा एंड बीटा। अब क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अल्फा एंड बीटा दे दिया जाएगा और उसके ऊपर से आपको उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होगा अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना। सो लेट अस सॉल्व द एमसीक्यू। कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर हाफ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 4x plus 5 equals to 0। हमें quadratic equation find करना है जिसके roots जो है half है of the roots of the equation के, मतलब इस equation के जो roots होंगे वो half होंगे और उससे मुझे quadratic equation find करना है। Solution: the roots of the equation 3x square minus 4x plus 5 equals to 0 is of the form ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore, a value is 3, b value is minus 4, and c value is 5. Therefore, alpha plus beta equals to minus b upon a. b ki value substitute karenge, माइनस नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाय ए वैल्यू 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस पॉजिटिव 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए इक्वल्स टू सी वैल्यू इज 5 ए वैल्यू इज 3। तो अल्फा बीटा इज 5 अपॉन 3। Roots of the required equations are alpha divided by 2 and beta divided by 2। ये आपको question में ही दिया है कि whose roots are half of the roots of the equation, मतलब जब ये word half है उसका लव 1 by 2। तो alpha is divided by 2 and beta is divided by 2। Therefore, sum of the roots equals to alpha divided by 2 plus beta divided by 2। Now LCM लेंगे 2 तो ऊपर numerator add हो जाएगा alpha plus beta equals to, now alpha plus beta की value अगर आप देखोगे in the third line I have given 4 upon 3 divided by equals to 4 by 3 multiply 1 by 2 हो जाएगा। So 2 and 4 will get cancelled, so you will get 2 upon 3। तो ये था आपका sum of root। तो sum of root आपका क्या आ गया, 2 upon 3। Product of roots equal to alpha divided by 2 multiply बीटा डिवाइडेड बाय 2, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इक्वल्स टू
अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5/3 राइट सब्स्टिट्यूट होगी और वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/4 से। सो वी से दैट 1/4 मल्टीप्लाई 5/3 इक्वल्स टू 5/12 मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको मिला 5/12। द रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो आप सम ऑफ रूट्स की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 5/12। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की प्लेस पे 5/12 इक्वल्स टू 0। अब आप डिनोमिनेटर में 3 एंड 12 का एलसीएम लेंगे, सो यू विल गेट 12। नाउ ये 12 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में 1 है, माइनस नाउ 2/3, 3 है डिनोमिनेटर में, मुझे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 = 8x प्लस 5 क्योंकि 12 ऑलरेडी दे रखा है नीचे इक्वल्स टू 0। सो देयर फोर 12x² - 8x + 5 आएगा। नाउ 12 जो है 0 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो उसे 0 मिलेगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है दैट इज 12x² - 8x + 5 इक्वल्स टू 0 मुझे किधर देखने को मिलता है, सो आई कैन सी इन ऑप्शन सी। ओके नाउ शॉर्टकट क्या है, आपने सम ऑफ रूट्स क्या फाइंड किया, 2/3 फाइंड किया ना सम ऑफ रूट्स। अब आप ऑप्शन में जाओ और ये चेक करो कि सम ऑफ रूट्स 2/3 आपको किस में दिखता है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, -b/a राइट। तो इन ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू क्या है, -8 है। तो आप क्या रखोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a में --8/a की वैल्यू 12। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 2/3 जो और कोई ऑप्शन ए बी में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया वहां से ही आप जी टी यू गो थ्रू ऑप्शन से फाइंड कर सकते थे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव हो जाता, मैंने मेथड बताया है और साथ में शॉर्टकट समझा दिया है, तो यू कैन गो विद सम ऑफ रूट्स तक एंड देन हम लोग सीधा जी टी यू फाइंड कर लेंगे। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
Question number 7. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square minus x plus 2 equals to 0, find the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha. Options A, B, C, D given to you. Solution hai, the roots of the equation x square minus x plus 2 equals to 0 is of the form ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore, a ki value kya ho jayegi? 1. B ki value ho jayegi minus 1. C ki value ho jayegi 2. I hope aapko a, b, c ki value pata chal gayi hai ki humne kaise find kiya. Therefore, alpha plus beta is equal to minus b upon a. B की वैल्यू एंड A की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल्स टू माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू 1 इक्वल्स टू तो माइनस माइनस विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव सो पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या रहेगा 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू C अपॉन A equals to C and A की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे so that will be 2 upon 1 equals to 2. Now the roots of the required equations are alpha upon beta and beta upon alpha. Therefore sum of roots equals to alpha upon beta प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्योंकि आप रूट्स को ऐड करोगे सो यू विल टेक द एलसीएम तो एलसीएम है अल्फा बीटा नाउ अल्फा विल मल्टीप्लाई अल्फा एंड बीटा विल मल्टीप्लाई बीटा सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 2 alpha beta divided by alpha beta equals to अब आप alpha plus beta whole square that is alpha plus beta की value substitute करेंगे 1 whole square minus 2 into alpha beta की value है 2 divided by 2 equals to 1 minus 4 हो जाएगा minus 3 divided by 2 so यहां से मुझे sum of roots मिला that is minus 3 upon 2. Product of roots that is alpha upon beta multiply beta upon alpha equals to now what will happen over here alpha alpha will get cancelled beta beta will get cancelled to mujhe sirf 1 milega. Now my required equation is x square minus sum of the roots x plus product of the roots equals to 0. So sum of roots मेरा यहाँ पे क्या था minus 3 upon 2 product of roots की value क्या होगी 1 so x square minus minus 3 upon 2 x plus 1 equals to 0 now आप LCM ले लोगे 2 so 2 will get multiply x square क्योंकि denominator में 1 है 2x square minus minus plus हो जाएगा 3x plus 2 equals to 0. So 2x square plus 3x plus 2 equals to. Now 2 जो denominator है वो 0 के साथ multiply होगा. तो 0 multiply any number will be always 0. So अब आप ये check करो कि 2x square plus 3x plus 2 किधर है? Yes, in option A. So you can say that option A is the correct answer. Again, dear student, यहाँ से आप shortcut वही use कर सकते थे कि आपने जब sum of roots find किया minus 3 upon 2, तो equations जो आपको ABC में दिया है, उसमें से आप alpha plus beta is equal to minus B upon A check कर लो. तो you will get in option A, minus 3 upon 2. So, आप directly mark कर सकते थे उसी time पे कि आपका option A is the answer. Question number 8. Find the quadratic equation such that sum of its root is 7.
and sum of their reciprocal is 2. So options A, B, C, D given to you. आपको quadratic equation find करना है. Sum of its roots जो है वो 7 है and sum of their reciprocal जो है वो 2 है. Solution alpha plus beta is equal to 7. Question में दिया है sum of its root is 7 and 1 upon alpha plus 1 upon beta equals to 2 because question में ही दिया है sum of their reciprocal is 2. Therefore अब आप 1 upon alpha plus 1 upon beta का आप LCM ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा alpha beta. Now that will be beta plus alpha बोलो या आप alpha plus beta बोलो would be remain same at that time जो equal to 2 हो गया. Therefore alpha plus beta is equal to 2 alpha beta. Therefore alpha plus beta की value है 7 equals to 2 alpha beta. Therefore alpha beta equals to 7 upon 2. We will get the value. So that means alpha plus beta हो गया 7. Alpha beta is equal to 7 upon 2 हो गया. Hence the required equation is x square minus sum of the roots x plus product of the roots equals to 0. So यहाँ पे आपका x square minus sum of roots है 7, product of root है 7 by 2 equals to 0. अब आप LCM ले लोगे 2. So 2 will get multiply x square 2x square minus 14x plus 7 equals to 0. Now 2x square minus 14x plus 7 equals to 2 will multiply 0 इसीलिए 0. So आपको आंसर मिलेगा 2x square minus 14x plus 7 equals to 0 in option A. Now shortcut क्या है? बिना सम को सॉल्व किए हुए भी मुझे आंसर आ सकता था. यस, बिना सम सॉल्व किए भी. देखो क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सम ऑफ इट्स रूट इज 7. दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या चाहिए 7. अब आप ऑप्शंस में जो ए बी सी डी दिए हैं उसमें से आप उनका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए निकालो और जिसमें आपको 7 आ जाएगा दैट वुड बी योर इक्वेशन. तो ऑप्शन ए में बी का वैल्यू है माइनस 14. सो माइनस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 करोगे यू विल गेट पॉजिटिव 7. तो इसका मतलब ये होता कि ऑप्शन ए वुड बी माय आंसर. और अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व किया होता तो 10 सेकेंड में ये सम सॉल्व हो जाता. आई होप आप लोग मेरे शॉर्टकट को ध्यान से सुन रहे हो. ओके क्वेश्चन नंबर 9. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 हेंस फाइंड अल्फा एंड बीटा. तो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है एंड आपको इक्वेशन ऑफ रूट फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 और वहां से फाइंड करना है अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी. तो इसीलिए ऑप्शन ए बी सी डी में आपको एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में दी है क्योंकि एक होगा प्लस दूसरा होगा माइनस और वो है अल्फा एंड बीटा. सॉल्यूशन 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 1. Therefore, alpha plus beta is equal to होता है minus b upon a. तो b की वैल्यू क्या है भाई 10. तो minus 10 divided by a की वैल्यू क्या है 5, which is equal to minus 2. And alpha beta is equal to c upon a. तो c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 5. तो alpha beta is equal to 1 upon 5 आ गया. The roots of the required equation are alpha plus 1 and beta plus 1. Therefore, sum of the roots equals to alpha plus 1
प्लस बीटा प्लस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस टू हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे आप माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू जीरो दे देगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाई बीटा प्लस वन इक्वल्स टू, नाउ अल्फा जो है वो बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो आई विल गेट अल्फा बीटा प्लस अल्फा। नाउ जो प्लस वन है वो बीटा प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी प्लस बीटा प्लस वन इक्वल्स टू। नाउ अब क्या करेंगे आप, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस टू, वो सब्सटीट्यूट करेंगे एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है वन अपॉन फाइव, वो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है वन अपॉन फाइव प्लस अल्फा बीटा की जगह पे माइनस टू प्लस वन। अब आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम वुड बी फाइव, सो वन विल रिमेन एज इट इज, माइनस फाइव टू ज़ा टेन प्लस फाइव इक्वल्स टू, वन माइनस टेन करेंगे माइनस नाइन, माइनस नाइन प्लस फाइव करोगे माइनस फोर अपॉन फाइव, सो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मेरा हो जाएगा जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस फोर अपॉन फाइव, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम क्या लोगे फाइव, तो फाइव जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस जीरो माइनस फोर। अब जीरो में लिखूं या नहीं लिखूं चलेगा, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू, अब जो डिनोमिनेटर का फाइव था वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा, जीरो। Therefore, 5x square is equal to 4 हो जाएगा, so x square की वैल्यू हो जाएगी 4 upon 5. Now, x square is equal to 4 upon 5. मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको 4 and 5 का रूट निकालना पड़ेगा, तो x is equal to क्या हो जाएगा, under root 4, under root 5, and under root 4 जो है, that will be 2. So therefore, x equals to plus minus 2 upon root 5. So we can say that option A is the correct answer. Next topic is based on cubic equation, and this is the last topic of this chapter. An expression of the form ax cube plus bx squared plus cx plus d equals to 0. क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री इज 3, ओके, सो दैट इज ए एक्स क्यूब, तो क्यूब जो है वो हाईएस्ट डिग्री है, इसीलिए इसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स करता है आर, ए डज नॉट बिलोंग टू जीरो, इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। लेट एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स इक्वल्स टू बीटा एक्स इक्वल्स टू गामा आर द थ्री रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि मैंने बोला कि एक्स क्यूब का मतलब क्या, यू विल गेट द एक्स थ्री वैल्यूज एंड दैट इज योर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपने एक एक्स की वैल्यू को अल्फा ले लिया, दूसरे एक्स की वैल्यू को बीटा ले लिया, तीसरे वैल्यू को आपने गामा ले लिया। नाउ एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। अब ये कैसे आया, फ्रॉम द सेकेंड स्टेप में आपने लिखा था एक्स इक्वल्स टू अल्फा, आप अल्फा को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हो, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से x इक्वल्स टू बीटा, बीटा को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाओगे तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड है x
इज इक्वल टू गामा, तो गामा को आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो। तो इसीलिए आपने थर्ड स्टेप में बोल दिया कि भाई एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो। नाउ दिस कैन बी, अब मुझे यहां से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इन तीन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो। अब हम इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए पहले मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूं। सो एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स होगा तो अल्फा एक्स हो गया। नाउ एक्स विल मल्टीप्लाई बीटा तो दैट विल बी माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस बीटा विल गिव मी प्लस अल्फा बीटा। नाउ माय थर्ड फैक्टर जो था एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो, नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस टू नाउ, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स होगा तो एक्स क्यूब, माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स होगा तो अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस बीटा एक्स मल्टीप्लाई एक्स होगा तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स हो जाएगा। नाउ गामा विल मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर सो माइनस एक्स स्क्वायर गामा, माइनस माइनस दैट इज माइनस अल्फा एक्स मल्टीप्लाई माइनस गामा विल बी प्लस अल्फा एक्स गामा, माइनस बीटा एक्स मल्टीप्लाई माइनस गामा विल बी प्लस बीटा एक्स गामा, प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई माइनस गामा विल बी माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू जीरो हो गया। एक्स क्यूब नाउ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर गामा में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं और साथ में माइनस भी कॉमन निकल जाएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में कैसे लिखूंगा, माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स गामा प्लस बीटा एक्स गामा, यहां से मैं कॉमन तीनों में से क्या निकल सकता हूं, एक्स कॉमन निकल सकता हूं, तो मेरे को अगर एक्स कॉमन निकल गया तो क्या मिलेगा भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ब्रैकेट क्लोज करके एक्स मिल गया। अब सिर्फ बचा क्या, माइनस अल्फा बीटा गामा, तो वो हम यहां पे लिख देंगे माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू जीरो। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व ओवर हियर इज फॉर दैट वी हैव टू नाउ कंपेयर, सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो के साथ में कंपेयर करता हूं, तो जब मैं कंपेयर करूंगा और कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इज एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को सबको ए के साथ डिवाइड कर दिया, और अब मुझे क्या मिलता है, ये फॉलोइंग रिजल्ट ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, आई होप यू कैन सी द सर्कल, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने क्या रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसकी वैल्यू है बी अपॉन ए। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो उसी तरीके से अब अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके चल नाउ वी मूव फर्दर, तो आपको क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। नाउ
अगेन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज सम रूल्स, रूल्स फॉर एक्स माइनस वन का क्या है. इफ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इज जीरो, मतलब कि मेरे जितने भी कोएफिशिएंट है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करने से मुझे जीरो मिल जाए, देन एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, दैट इज एक्स इक्वल्स टू वन इज रूट बोलेंगे. रूल नंबर टू, रूल्स फॉर एक्स प्लस वन. इफ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ इवन इंडाइसेस इज इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड इंडाइसेस, दैट इज ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी, देन एक्स प्लस वन इज फैक्टर, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इज रूट. थर्ड है रूल फॉर कॉन्स्टेंटम. इफ देर इज नो कॉन्स्टेंटम, आपके इक्वेशन में कोई कॉन्स्टेंटम नहीं है इन क्यूबिक इक्वेशन में, देन वन ऑफ द फैक्टर इज जीरो होगा, तो दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू जीरो इज रूट. ओके समझ में आया, फिर से रिपीट करूं. ओके देखो रूल नंबर वन क्या बोलता है, रूल्स फॉर एक्स माइनस वन. x माइनस वन मतलब x की वैल्यू वन है, वहां उस इक्वेशन में रखना है नहीं रखना है वो पता कैसे चलेगा. तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को आप ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे आप x की वैल्यू वन रख सकते हो. नाउ x प्लस वन का रूल क्या है कि भाई आपके जितने भी कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन इंडाइसेस हैं एंड जितने भी कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड इंडाइसेस आप उनको ऐड करो और वो इक्वल होने चाहिए, दैट मींस इवन इक्वल्स टू ऑड होना चाहिए, और अगर वो हो जाए तो इसका मतलब है कि वहां पे एक्स इक्वल्स टू माइनस वन रूट होगा. कांस्टेंट टर्म ये बोला है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे, तो जब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म नहीं दिए होंगे तो इसका मतलब है कि वहां पे एक एक्स की वैल्यू जीरो होगी कन्फर्म. अब इस तीन रूल्स को हम आगे वाले सम्स में अप्लाई करेंगे. तो लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज. क्वेश्चन वन है द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो इज गिवन बाय द ट्रिपलेट. तो ऑप्शंस ए बी सी डी सॉल्यूशन है, गिवन इक्वेशन है आपका एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. सो हम जब कंपेयर करते हैं इसको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो के साथ, तो ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस सिक्स, सी का वैल्यू इलेवन एंड डी का वैल्यू माइनस सिक्स मिलेगा. Now we have to remember this rule. What rule? Alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a होता है. Alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to c upon a होता है. Alpha beta gamma equals to minus d upon a होता है. So I apply the rule alpha beta gamma क्योंकि ये सबसे easy होता है. Minus d upon a. तो d का value है minus minus 6 upon 1 which is equal to 6. Now this is my first part. Now I go with option method. So option method से अगर मैं जाता हूँ तो option A में है 1, 2, 3. So alpha हो गया 1, beta हो गया 2, gamma हो गया 3 from equation 1. LHS alpha beta gamma की value substitute करता हूँ equals to 1, 2, 3 and which is equal to 6 मिल गया which is equal to right hand side. So therefore no other option satisfy equation 1. Therefore option A is the correct answer. क्योंकि अगर आप minus 1 into 1 into minus 2 करोगे तो आपको 6 नहीं मिलेगा. Minus 2 multiply 2 into 3 करोगे आपको 6 नहीं मिलेगा. 0 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 भी आपको 6 नहीं मिलेगा. इसीलिए मैंने लिखा therefore no other option satisfy equation 1. इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर टू,
x, x minus 4, x plus 5 are the factors of the left hand side of the equations. Options A, B, C, D दिया है. इसका मतलब है कि मुझे इन तीन फैक्टर्स से इक्वेशन को फॉर्म्ड करना है. सिंस द फैक्टर्स ऑफ इक्वेशंस आर x, x माइनस 4, x प्लस 5, तो इफ x, x माइनस a, x माइनस b आर द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म x मल्टीप्लाई x माइनस a मल्टीप्लाई x माइनस b इक्वल्स टू 0. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद एग्जाम्पल. अगर आपको x, x प्लस 3, x माइनस 8 आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन दिया है, देन क्यूबिक इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ x मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे वही काम करना है. Therefore, the cubic equation will be in the form x multiply x minus 4 multiply x plus 5 equals to 0. अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. So x multiply x, x square minus x multiply 4, 4x, x plus 5 equals to 0 हो गया. अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. So x square will multiply x होगा. x square multiply x plus 5 minus 4x multiply x plus 5 equals to 0. Bracket को open किया तो x square multiply x, x cube, x square plus 5, 5x square minus 4x multiply x minus 4x square minus 4x multiply plus 5 is minus 20x equals to 0. Now x cube plus 5x square minus 4x square, तो 5x square minus 4x square आपको क्या देगा, plus x square देगा. तो x cube plus x square minus 20x equals to 0. अब आप ये option में check करो कि ये किधर है. So you can say that option B is the correct answer. Question number 3. The roots of x cube plus x square minus x minus 1 equals to 0 are. Options A, B, C, D given to you है. Solution. Given equation है x cube plus x square minus x minus 1 equals to 0. Comparing with ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0. Therefore, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू माइनस 1, D का वैल्यू माइनस 1. Again, the three rules, alpha plus beta plus gamma equals to minus B upon A. Alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to C upon A. Alpha beta gamma equals to minus D upon A. So, हम लोग यूज क्या करेंगे? Alpha beta gamma equals to minus D upon A. D का वैल्यू था minus 1. A का वैल्यू था 1, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 1. नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस b अपॉन a, तो b की जगह पे आप क्या रखोगे, माइनस 1 अपॉन 1. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस 1. दिस इज 2. नाउ बाय ऑप्शन c, माइनस वन माइनस वन वन, तो इसका मतलब है कि अल्फा है माइनस वन, बीटा है माइनस वन एंड गामा है वन. फ्रॉम इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो अल्फा बीटा गामा है. सो इसका मतलब ये होगा कि माइनस वन मल्टीप्लाई वन विल गिव यू वन, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी जो है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन वन को. नाउ ऑप्शन डी भी है क्योंकि इसमें भी आपको 1 1 1 दिया. सो लेट अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लेफ्ट हैंड साइड को लोगे अल्फा बीटा गामा, और अब आप तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको देगा 1 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ऑप्शन डी सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 1. सर आपने ए एंड बी को क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि बेटा अगर मैं ए को लेता तो ए में देखो माइनस वन माइनस वन माइनस वन है,
तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस वन मिलेगा। ऑप्शन बी में भी अगर मैं तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस वन मिलेगा, जबकि चाहिए क्या मुझे वन, तो वन मेरे को सिर्फ ऑप्शन सी एंड डी दे सकता था। तो अभी भी मेरे को आंसर नहीं मिला है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो दोनों में सेटिस्फाइड होगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब सेकेंड इक्वेशन, सो बाई ऑप्शन सी माइनस वन वन, लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस वन, बीटा इक्वल्स टू माइनस वन एंड गामा इक्वल्स टू वन। सो फ्रॉम इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर ऑप्शन सी सेटिस्फाई करता है इक्वेशन टू, मतलब ऑप्शन सी ने दोनों इक्वेशंस को प्रूफ कर दिया। नाउ ऑप्शन डी, वन वन वन, लेट अल्फा इक्वल्स टू वन, बीटा इक्वल्स टू वन एंड गामा इक्वल्स टू वन। फ्रॉम इक्वेशन टू लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड तो माइनस वन चाहिए था। सो देयरफॉर ऑप्शन डी डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन टू। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपका आंसर क्या है, therefore option C satisfy both equations, so we say that option C is the correct answer. Question 4, the satisfying value of x cube plus x square minus 20x equals to 0 are, so options hai A, B, C, D, to hume x ki satisfying value find karni hai. रूल नंबर थ्री याद है, रूल फॉर कांस्टेंट टर्म, इफ देयर इज दो कांस्टेंट टर्म इन क्यूबिक इक्वेशन, देखो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, देन वन ऑफ द फैक्टर्स इज जीरो होना चाहिए एंड दैट इज x इक्वल्स टू जीरो इज रूट होगा। सो गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू जीरो, सो देयरफॉर ऑप्शन ई एंड बी इज नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें जीरो नहीं है, मुझे जीरो चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर थ्री। तो ए बी तो पिक्चर से निकल गए, तो हमने बताओ केबीसी का 50-50 ऑप्शन खेला, लाइफ लाइन वाली। चल नाउ नेक्स्ट, तो अब सी डी में से जीरो है, सो भाई ऑप्शन डी 0, 4, -5 सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल्स टू 4 इन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 0 में। तो अब x की जगह पे आप 4 रखोगे लेफ्ट साइड, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4। नाउ व्हाट इज 4 क्यूब, 64 प्लस 16 माइनस 80 विल गिव यू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू माइनस 5 इन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 0 में। सो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 5 का क्यूब प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू माइनस 5 इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज माइनस 5 का क्यूब, माइनस 125, यस प्लस 25 प्लस 100 विल गिव यू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So that means x equals to 4 and x equals to minus 5 दोनों satisfied हो गए option D से। So we say that option D is the correct answer. Question 5, the cubic equation x cube plus 2x square minus x minus 2 equals to 0 has three roots, namely ऑप्शन ए बी सी डी गिवन टू यू। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, कंपेयरिंग विद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। सो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू माइनस 1, डी का वैल्यू माइनस 2। तो अगेन हमारे तीन कंसेप्ट है, यही
alpha plus beta plus gamma equals to minus b upon a, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma equals to c upon a, alpha beta gamma equals to minus d upon a. So alpha beta gamma ko multiply karte hain, to minus d upon a, to minus 2 value rakhenge d ki jagah pe, to minus minus 2 upon 1 will give you 2. This is my first equation. Option B, try karenge. Let alpha equals to minus 1, beta equals to 1 and gamma equals to minus 2. From equation 1, left hand side, alpha, beta, gamma ko multiply karo. So, minus 1 multiply 1 multiply minus 2. Tino ko multiply karoge to milega 2, which is equal to right hand side. So, no other option satisfy equation 1. Chalo, check karte hain. 1 multiply minus 1 multiply 2 करो, option A का, तो minus 2 मिलेगा. C में minus 1 multiply 2 multiply minus 2 करो, तो आपको क्या मिलेगा? 4. 1 multiply 2 multiply 2 करोगे, तो मिलेगा 4. तो option B है, जो आपको सिर्फ answer 2 देता है. Therefore, option B is the correct answer. Question 6. If 4x cube plus 8x square minus x minus 2 equals to 0 है, then the value of 2x plus 3 is given by, तो क्या आंसर है? तो पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और बाद में 2x plus 3 में सब्स्टिट्यूट करना है. So given equation है 4x cube plus 8x square minus x minus 2 equals to 0. तो अभी हमने इसके क्या कर दिए, जो फैक्टर्स थे, जो कॉमन थे, वो निकाल लिए. तो अगर आप सबसे पहले चेक करोगे तो 4x cube plus 8x square में से आपने 4x square कॉमन निकाला, इसीलिए x plus 2 मिला. एंड minus x minus 2 में से आपने minus 1 को कॉमन निकाला, तो इसलिए आपको मिला x plus 2 equals to 0. So, अब यहां से आप क्या बोलोगे कि 4x square minus 1 and x plus 2 equals to 0. So, therefore, 4x square minus 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2x का square minus 1 का square, मतलब मैंने उसको a square minus b square के form में लिखा, and x plus 2 will remain as it is, equals to 0. Now, a square minus b square क्या होता है? a minus b, a plus b. उसी तरीके से 2x square minus 1 को मैं कैसे लिखूंगा? 2x minus 1, 2x plus 1 multiply x plus 2 equals to 0. 2x minus 1 equals to 0 होगा, और 2x plus 1 equals to 0 होगा, और x plus 2 equals to 0 होगा. So from here I will get the x values. X equals to 1 by 2 आएगा from 2x minus 1 equals to 0 से, और 2x plus 1 equals to 0 से x का value मिलेगा minus 1 upon 2, और x plus 2 equals to 0 से x का value मिलेगा minus 2. Now अब आप value find करना है आपको, 2x plus 3 equals to question mark. अब आप यहां पे x की value एक एक करके substitute करेंगे. तो आप सब्स्टिट्यूट करते हो x equals to half, तो 2 multiply half plus 3, so 2 2 get cancel, 1 plus 3 हो जाएगा 4. ओके, अब ये चेक करो कि 4 कहां पे दिखता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन a में दिखता है. सब्स्टिट्यूट x equals to minus half, so 2 multiply minus half plus 3 will give you 2, 2 get cancelled, so minus 1 plus 3 will give you 2. Ab check karo 4 and 2 kidhar hai, to again option A mein hi hai. Substitute x equals to minus 2, so value of 2 multiply minus 2 plus 3 will give you minus 4 plus 3, which is equal to 1. Yes, minus 1. तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 7. इट इज बीइंग गिवन दैट वन ऑफ द रूट इज हाफ,
the sum of the other two. Solving x cube minus 12x square plus 47x minus 60 equals to 0. So we get the following roots. Question kya bol raha hai? It is being given. One of the roots jo hai, wo half hai the sum of the other two wing. So x cube minus 12x square plus 47x minus 60 is equal to kya hoga? Solution. Given equation hai x cube minus 12x square plus 47x minus 60 equals to 0. Compare करते हैं ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0. तो a का value मिलेगा 1, b का value मिलेगा minus 12, c का value मिलेगा 47, d का value मिलेगा minus 60. Now, according to the concept of this 3, alpha plus beta plus gamma equals to minus b upon a, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma equals to c upon a, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए. तो अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए. सो माइनस डी की जगह पे हम रखेंगे माइनस माइनस 60 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव मी 60. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन बाय ऑप्शन बी 3, 4, 5. अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 4, गामा का वैल्यू 5. लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा बीटा गामा. अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 विल गिव यू 60, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऑल्सो 4 इक्वल्स टू 1 बाई 2 3 प्लस 5, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है. देखो ये दूसरा तरीका है फाइंड करने का, मतलब आपने ये तो प्रूफ कर दिया ना ऑप्शन बी. ऑप्शन बी प्रूफ करने के बाद आपने ये भी प्रूफ किया कि वन ऑफ द रूट इज हाफ द सम ऑफ द अदर टू. तो मतलब अगर 4 इक्वल्स टू क्या है, हाफ किसका, अदर टू रूट्स का टोटल करके 3 प्लस 5. सो दैट कम्स टू 8. 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मिलेगा 4, राइट. सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट नो अदर ऑप्शन सेटिस्फाई इक्वेशन 1. Therefore, option B is the correct answer. Question number 8. Solve x cube minus 7x square plus 14x minus 8 equals to 0. Given that the roots are in geometric progression, मतलब आपका जो x की value है वो geometric progression के form में होगी. Solve. Given equation है x cube minus 7x square plus 14x minus 8 equals to 0. Comparing with ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0. So a का value 1, b का value minus 7, c का value 14 and d का value minus 8. We use this concept. Alpha plus beta plus gamma equals to minus b upon a. Alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma equals to c upon a. Alpha beta gamma equals to minus d upon a. तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट alpha beta gamma equals to minus d upon a. d की वैल्यू है minus 8, तो minus minus 8 divided by 1 will give me 8. This is my first equation, right. Now alpha plus beta plus gamma equals to minus b upon a. तो माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव मी 7. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 7 इज माय सेकंड इक्वेशन. ऑप्शन बी 1, 2, 4. अल्फा 1, बीटा 2, गामा 4. फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1 multiply 2 multiply 4 equals to 8 equals to right hand side हो गया. Now from equation 2 left hand side alpha plus beta plus gamma को आप add करोगे तो 1 plus 2 plus 4 equals to 7 which is equal to right hand side. So you can say that no other option satisfy equation 2, therefore option B is the correct answer. Thank you friends. For query and doubts you can call
7600828 2896. Thank you once again, and remember to do practice daily. Okay, क्यूबिक इक्वेशन के वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ध्यान से. ऑल द बेस्ट.